पूर्वांचल के कुख्यात बदमाश और 1,00,000 के इनामी गैंगस्टर लालू यादव को मऊ पुलिस ने वध भार तड़के हुए एनकाउंटर में मार गिराया। यह मुठभेड़ सराय लंगसी थाना क्षेत्र के भौरेपुर मोड़ के पास 4 बजे के करीब हुई। इस मुठभेड़ में कोई भी पुलिस वाला हताहत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मृतक बदमाश लगभग 80 संगीन अपराधों के मुकदमों में वांछित चल रहा था। इतना ही नहीं, वो प्रधानी चुनाव को प्रभावित करने की साजिश भी कर रहा था। पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया कि लालू यादव 1,00,000 का इनामी गैंगस्टर बदमाश था। आज सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान उसके द्वारा चलाई गई गोली पुलिस के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। 2 गोली पुलिस जीप में भी लगी। जब अभी फायरिंग में गोली लगने से वो घायल हुआ, उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके खिलाफ 80-85 मुकदमे दर्ज थे। उसने वर्ष 2019 में मऊ के RTI कार्यकर्ता बाल गोविंद की हत्या की थी। उसके अलावा वो जौनपुर में 2 करोड़ की डकैती भदोही गार्ड को मारकर कैश वैन लूटने, मिर्ज़ापुर एवं वाराणसी में सोनार के यहाँ डकैती डालने में वांछित था। उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि वो ग्राम प्रधानी के चुनाव में दखल डालने और चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। वह किसी खास मकसद से मऊ आया था। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। सर, क्या प्रकरण बता दें? आज मऊ पुलिस को सूचना मिली कि 1,00,000 का इनामी बदमाश लालू यादव जो कहीं पर जा रहा है, उसको घेराबंदी करने की पुलिस की टीम द्वारा कोशिश की। इस कोशिश के दौरान इस बदमाश ने पुलिस पार्टी के ऊपर काफ़ी फायरिंग किया, जिसमें पुलिस पार्टी की तरफ जो फायरिंग किया उसमें बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उनके जैकेट पे भी कुछ गोलियां लगी। सराय लखनसी इंस्पेक्टर की जो गाड़ी है उस गाड़ी पे भी फायर हुआ है, उस पर भी 2 गोलियां लगी हुई हैं। और इसी जवाबी फायरिंग में जो बदमाश है उसको भी गोली लगी है, और उसको तत्काल जो टीम वहाँ पर मौजूद थी उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश की ताकि उसकी जान बच सके। हॉस्पिटल में पहुँचते ही हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। ये बदमाश 1,00,000 का इनामी था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में काफ़ी समय से वांटेड भी चल रहा था। जैसे यहाँ पे मऊ में एक RTI कार्यकर्ता थे बाल गोविंद, इनकी हत्या हुई थी, उनकी हत्या में ये मुख्य अभियुक्त था और वांटेड। इसके बाद इसी हत्या से रिलेटेड जो गैंगस्टर का मुकदमा था उसमें भी ये वांटेड था। जौनपुर में एक सोनार के यहाँ डकैती हुई थी, लगभग 2 करोड़ अमाउंट उसमें था, उसमें भी ये वांटेड चल रहा था। लगभग कितने मुकदमे दर्ज? भदोही में भी एक कैश वैन लूट हुई थी जिसमें 30,00,000 रुपये गए थे, और जो कैश वैन का जो गार्ड है उसके पैर को भी गोली मारी गई थी, तभी ये कैश वैन की लूट हुई थी। इसके अलावा मिर्ज़ापुर और बनारस में भी सोनारों के साथ लूट की गई थी जिसमें फायरिंग भी किया गया था। ऐसी 4-5 जो बड़ी बड़ी घटनाएं जिनमें पिछले 3 साल से ये वांटेड चल रहा था। इसके अलावा इस बदमाश के खिलाफ लगभग 80-85 मुकदमे दर्ज है जो कि ज्ञात है, और सराय लखनसी थाने का ये हिस्ट्री शूटर भी है। इसके अलावा कुछ और मुकदमे अन्य प्रदेशों में भी इसके खिलाफ हो सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो आज जिस टीम द्वारा ये पूरी मुठभेड़ हुई है उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई कि उसके द्वारा जो जवाबी फायरिंग की गई उसमें वो घायल हुआ और अस्पताल उसको लाया गया। उसको कितने लोग थे सर इसके साथ? ये आज जो पुलिस टीम पे जो फायरिंग की है इसमें 2 लोग थे, जो कि एक ये लालू यादव जिसको गोली लगी और वो अस्पताल पहुँचते जिसकी मृत्यु हुई, और दूसरा एक बदमाश और था जो अंधेरे का फायदा लेकर वहाँ से भाग गया, जिसके बारे में बॉम्बिंग भी की गई, जगह जगह थाना क्षेत्रों में चेकिंग भी अभी भी चल रही है की गई है, जिसके बारे में पता कर। सर ये क्या करने सर यहाँ पे आ रहा मैं आ रहा था ये इस तरह से कुछ है? मुखबिर से सूचना थी वो इसी तरीके की थी कि क्योंकि ये प्रधानी का जो चुनाव है अगम पंचायत चुनाव है इसमें इंटरेस्ट रख रहा था, और ये कुछ सूचना मुखबिर खास से ये मिली थी कि कहीं ना कहीं उस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भी अपना दोष जमाने के लिए। मुख्तार अंसारी गैंग से भी संबंधित था क्या? इसमें जो इसकी गैंग हिस्ट्री है इसमें ये कहा गया है कि कई बार बड़े बड़े गैंग्स ने इसको शरण दिया है, और एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है इसके बारे में प्रेस मीट में डिटेल। ठीक है, थैंक यू।